Hi there, welcome to those cast clips. I know you don't want to watch podcast, so here's some clips for you. Enjoy till the end and don't forget to subscribe. तो नौ साल आपने कोई और जैसे हम बात कर रहे थे जैसे ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी आदमी आगे चलाता है दोस्तों यारों से जुड़ने की सोचता है कोई नया लाइफ पार्टनर ढूंढता है और काम करता है पर क्या ये केस आपकी सेंटर ऑफ आप अटेंशन रहा यही माइंड में यही चीज़ घूमी आपने बहुत अच्छी बात पूछी बहुत से लोग पूछते थे कि आदमी की पर्सनल लाइफ भी होती है अट्ठारह से तीस साल की उम्र में कोई आदमी मुस्कुरा ना पाए और देखो एक चीज बताओ कोई भी कोई भी कोई भी लड़की हो अगर वो किसी लड़के से जुड़ेगी हर लड़की का एक अलग अलग, अलग दिमाग होता है कि उसे उसे उससे क्या चाहिए कोई तो सोचेगी बहुत पैसे वाला हो कोई सोचेगी जिसके साथ तुम्हारा कोई जीवन साथी हो वो ऐसा हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था अगर कोई जुड़ती भी तो मेरे पास तो छत भी नहीं थी कोई जुड़ती तो जेब में पैसे नहीं थे मेरे पास दूसरा मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आ कि वो भी एक लाइफ होती है इन बाहर साल में मैं सिर्फ एक ही उस पाँच सौ के नोट तक मेरा जीवन सिमटा रहा कि ये पाँच सौ उससे उस लिए है उसके इतने दिन में लौटाने हैं फिर वहाँ पर जाने की एक तैयारी करनी एक दिन पहले वो दि, आदमी पर प्रेशर आ जाता है तारीख पर जाने से पहले कि कल जाना है वहाँ पर वो तो वो जो दिमाग में वो बात बनी रहती है कि हाँ भाई उस दिन जाना है वहाँ पर और सिर्फ वो जो ट्रायल है वो फाइल में नहीं चलता वो आदमी के दिमाग में चलता है हर टाइम वो प्रेशर वो हर टाइम फील करता है उस चीज़ का कहीं भी मैं दूर भी जाने की सोचता था या कुछ अच्छा भी करने की सोचता था सरकार नौकरी मेरी लगनी सरकार नौकरी का मैंने आवेदन भी नहीं किया सच बताऊँ मुझे मुझे जब कर नहीं थी आर्मी में जाने का था वो मैं टूट गया था तो उस बीच में मुझे ये था कि मैं का, जैसे मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी तो कुछ प्राइवेट ही काम कर लूँ लेकिन प्राइवेट पर कौन रखता मुझे तो मेरी तो दिहाड़ी मजदूर वाली स्थिति रही इनमें मैंने बताया मैं अदालत का खर्चा देखूँ अपना खुद का रहने का खर्चा देखूँ या मैं पढ़ाई करूँ या मैं वो वाली लाइफ जीऊँ तो हर और दूसरी बात सच्चाई ये भी है हर उम्र का एक अपना अलग ही टाइम होता है जी अट्ठारह से तीस साल जहाँ व्यक्ति अपने सपने अपने कैरियर की राह चुनता है तो वहाँ में अपना दाग मिटाने में बीत गया मुझे ये चीज जीवन में संघर्ष था और इस संघर्ष में बड़ी राह भी मेरी कटीली थी हौसला था लेकिन एक दिन कि मैं मिटा लूँगा उसे कितने लोगों ने सहयोग की आवधि डाल ली है आज मैं बैठा तो सिर्फ मैं आके उन लोगों की बदौलत ही बैठा जिन्होंने छोटा छोटा समय समय पर मुझे योगदान देते रहे और मैं यहाँ बैठा रहा हूँ क्या आपकी कभी उन पुलिस वालों से मुलाकात हुई जिन्होंने आपको इसमें फॉल्स एक्यूज करके जेल में डाल दिया था हाँ वे आए थे कोर्ट में एविडेंस करने आईओ साहब तो मैं सात साल तक आते रहे नहीं जब मान्य न्यायालय ने उन्हें बुलाया समन गए उन पर तभी आए हुए और आने के बाद जब मेरी उनसे गेट पर मुलाकात हुई तो मैं एडवोकेट के ड्रेस में था तो वे मेरे से आके पूछते वकील साहब आप किसकी तरफ से हो तो मैंने कहा हम अपनी तरफ से भूल गए थे वो उन्हें पता ही नहीं था याद जब उन्हें पता ही नहीं था तो बोलते तो तब ना इस केस में संजय नाम के एक अभियुक्त को भी उन्होंने बनाया गया था और जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिखा था उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वो ऑन ड्यूटी है घटना वाले दिन वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का सिपाही है उसे दिल्ली पुलिस के सीपी ने 50 से ज़्यादा मेडल दिए हुए हैं उस व्यक्ति ने एक आतंकवादी भी मारा हुआ है 16 साल से सा कोई चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच में तो ईमानदार अफसर भी रहा होगा तो उससे तो नाम मेंशन करने से मतलब था उसे जानकारी नहीं उसने जुटाई कौन क्या था जब वो पुलिस विभाग का आदमी होने के बावजूद वो अपना आप को बचा पाया जिससे सारे रास्ते उस मालूम थे कैसे बचा जाता है कैसे नहीं बचा जाता तो मैं तो साढ़े अट्ठारह साल का था और दूसरा नाम लिखने से मतलब था उसे जो थे एक का इनकाउंटर कर दिया था बाकी कुछ लोग इसमें जो थे उनकी डेथ होगी कुछ को सज़ा होगी लेकिन बारह लोग तो बरी हुए ना वो सिर्फ मेरे से मेरी अकेली जिंदगी से नहीं खेल रहा हो हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा इस केस में सबसे ज़्यादा ज़्यादा कम उम्र हो सबसे ज़्यादा कम उम्र का व्यक्ति मैं था जितने और अभियुक्त थे मेरे कितने तो उनके बच्चे हैं अनमेरिड में था और आर्थिक स्थिति मेरी सबसे कमज़ोर थी तो सब कुछ फेस तो मैं ही कर रहा था वे तो जो और और एक वो दिल्ली पुलिस वाले जो संजय जी है क्राइम ब्रांच के सिपाही है वे भी इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति है लेकिन वे भी निर्दोष होते हो बारह साल दिल्ली से मेरे मे, मुजफ्फरनगर का सफ़र तो वे जो तय करते रहे बाकी जो अन्य अभियुक्त है जो इस केस में बरी भी हुए उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हें यहाँ न्याय के लिए आना या ये केस से तुम्हें छुटकारा मिलना चाहिए उनके लिए तारीख एक जो मैं महसूस किया मैंने कहा ना वो वो जो ट्रायल है वो सिर्फ फाइल में ही चलता और चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ती है तो उनके लिए पिकनिक थी तारीख वे सारे आठवीं पास लोग थे ज़मींदार थे अपना खेती करते थे पंद्रह दिन में आठ दिन में जब उन्हें तारीख मिलती थी आते थे और चाय पकौड़ी खा कर चले जाते थे वो अपने केस की तरफ कोई मेहनत नहीं कर रहे थे कोई मेहनत नहीं थी जैसे मैं जाता था वो मेरे पे जो है जो कमेंट करते थे कि ये वकील बन रहा है ये सब बड़ी ये सब बड़ी जल्दी आ रही है अपना केस के न्याय न्याय पाने के लिए ऐसे कमेंट करते थे तो मैं सबकी सुनी ऐसा नहीं कि मैं जो जो केस सिर्फ फाइल में ही चला आसपास से मुझे बहुत कुछ नेगेटिव ऊर्जा मिलती थी और जेल में भी आप देखो कि जेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता ना अच्छा आदमी बात करने के लिए मिलता तो मैंने वहाँ भी अपने आप को सकारात्मक रखा सबकी सुनी मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कहा इनके सोच इनके साथ किसी के सामने प्रमोशन किसी के रुके हुए थे किसी की सैलरी रुकी हुई थी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही की तो मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी थी तो हाई कोर्ट से हम इसमें डायरेक्शन लाए और डायरेक्शन डायरेक्शन कौन आदमी कौन आदमी लेकर आता है जो आदमी निर्दोष होगा करने वाला कभी डायरेक्शन नहीं लाएगा पेंडिंग रहे जी तो डायरेक्शन ला, लाए इसमें डेट शॉर्ट डेट लगनी शुरू हुई और सारे जांच तथ्य पहलू की जांच करके मान्य न्यायालय का फैसला है हमें बाईस जाते इसमें बरी किया गया ऐसे आपको लगता है देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निर्दोष हैं जो केस के अंदर फंसाए गए हैं जो आज भी तारीखें भुगत रहे हैं पर उनके पास कोई साधन नहीं है साधन नहीं है म, मैं देखता भी हूँ मैंने महसूस किया मैंने जेल को बड़े मैंने किताब में नहीं जेल को पढ़ा मैंने तो एक एक चीज़ प्रैक्टिकल रूप से देखा वो जो थर्ड डिग्री मैंने फिल्मों में देखी थी थर्ड डिग्री टॉर्चर थर्ड डिग्री टॉर्चर वो मैंने अपने 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 शरीर के ऊपर महसूस किया वो कोई आसान चीज़ नहीं थी साढ़े अट्ठारह साल के बच्चे की उम्र में आदमी को आदमी को पता ही क्या होता है मेरी आँख ये आप ये समझो कि उस नई उम्र में प्रवेश किया किया था जिसमें आपके आपके शरीर में भी काफ़ी बदलाव होते हैं उस उम्र में प्रवेश करते समय आप में एक रोमांच होता है खुशी होती है बड़े होने की बड़े होने की तो मेरे तो वहाँ बड़ा होने से पहले दबोच लिया मुझे तो मैं तो अगर मन मेरा मजबूत ना होता तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा रहता शरीर टूटा सपने टूटे लेकिन कभी मन नहीं टूटा कि मैं ये वापसी नहीं कर पाने का जो लोग कहते थे वापसी नहीं कर पाएगा मन में एक यही जीत थी कि वापसी करनी जहाँ चाह वहाँ रहा If you like this clip, I bet you will love the full podcast. Check it out on the Dosecast YouTube channel.